आज की इस वीडियो में आपको WhatsApp के एक ऐसे फीचर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिस फीचर्स के बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। इस फीचर को जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं WhatsApp का यह कौन सा ऑप्शन है। सबसे पहले हम अपने WhatsApp को ओपन करते हैं। यहाँ देखिए ऊपर में बने हुए तीन डॉट बिंदु हैं, ऊपर सबसे ऊपर तीन डॉट बिंदु बने हुए हैं, इस पर क्लिक करते हैं। इसमें देखिए न्यू ब्रॉडकास्ट एक ऑप्शन है, शायद इस ऑप्शन के बारे में आप नहीं जानते होंगे। तो आइए हम बताते हैं आपको वो न्यू ब्रॉडकास्ट ऑप्शन क्या है। सबसे पहले हम बताते हैं न्यू ब्रॉडकास्ट में कैसे एक ब्रॉडकास्ट बनाते हैं, उसके बारे में बाद में आपको बताते हैं इसका यूज क्या है। तो न्यू ब्रॉडकास्ट यहाँ से सबसे पहले क्लिक करेंगे न्यू ब्रॉडकास्ट पर। इसमें अधिकतम हम इस ब्रॉडकास्ट में अधिकतम हम 256 लोगों को ऐड कर सकते हैं। इस ब्रॉडकास्ट में अधिकतम 256 लोगों को ऐड कर सकते हैं। यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं किसको किसको ऐड करना है। मान लीजिए मैं सर्च कर ले रहा हूँ जिसको जिसको ऐड करना है। एक नाम ये हो गया, दो हो गए, मान लीजिए हम दो ही लोगों को ऐड करते हैं इस ग्रुप में व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में। और यहाँ से जो गुड का सिंबल बना हुआ है उस पर क्लिक कर देते हैं। देखिए व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट का एक फीचर्स बन के तैयार हो गया है। देखिए सबसे ऊपर दिख रहा है राहुल और संजय करके, व्हाट्सएप और ब्रॉडकास्ट का एक ऑप्शन बन के तैयार हो गया है। यहाँ से हम ब्रॉडकास्ट के नेम को आप चेंज भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ ऊपर बना हुआ है ब्रॉडकास्ट लिस्ट नेम, यहाँ से आप इसके नेम को चेंज भी कर सकते हैं। देखिए चेंज कर सकते हैं ऐसे, व्हाट्सएप के इस फीचर्स का नाम भी चेंज कर दिए। देखिए ये व्हाट्सएप का एक ब्रॉडकास्ट बनकर तैयार है। अगर इस ब्रॉडकास्ट के थ्रू हम किसी को एक मैसेज करेंगे, जितने भी ब्रॉडकास्ट में मेंबर ऐड हैं, देखिए व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में दो मेंबर ऐड हैं, राहुल और संजय करके दो मेंबर ऐड हैं। इसमें से अगर हम अधिकतम 256 लोगों को ऐड कर सकते हैं, हमने दो ही लोगों को ऐड किया है। आप जिसको जितने की ज़रूरत होगी उतनों को ऐड करिएगा। देखिए हम बताते हैं इसी ब्रॉडकास्ट के थ्रू अगर हम किसी को एक मैसेज यहाँ से करते हैं, कोई भी मैसेज कर देते हैं, एक मैसेज करते हैं तो यह मैसेज सेंड हो गया। यह मैसेज किसके किसके पास गया होगा, यह मैसेज जितने फ्रेंड इसमें ऐड हैं, राहुल और संजय करके दो फ्रेंड ऐड हैं, दोनों लोगों के पास मैसेज गया होगा। लेकिन क्या यह ब्रॉडकास्ट के थ्रू गया होगा? नहीं, जैसे ग्रुप में मैसेज करते हैं ग्रुप के थ्रू अपना अपने फ्रेंड के नाम से नहीं गया होगा, पर्सनली हमारे नाम से मैसेज गया होगा, हमारे नंबर से मैसेज गया होगा। जितने फ्रेंड के पास हमने इस ब्रॉडकास्ट में जितने फ्रेंड ऐड हैं सब के पास हमारे पर्सनली हमारे नंबर से मैसेज जाएगा। ठीक है, अगर वह मैसेज फिर मैसेज का रिप्लाई जो करते हैं तो क्या इसी ब्रॉडकास्ट में आएगा? नहीं, यह उसी ब्रॉडकास्ट में नहीं आएगा, वह उनके पर्सनल नंबर से हमारे नंबर पर मैसेज आएगा। ठीक है दोस्त, अगर आपको वीडियो समझ में आई होगी, जैसे हम यहाँ से बताते हैं आपको, यहाँ से ब्रॉडकास्ट के थ्रू हम मैसेज करेंगे जितने मेंबर ब्रॉडकास्ट में ऐड हैं, अगर हम मैसेज करते हैं तो हमारे नंबर से जितने नंबर उसमें ब्रॉडकास्ट में हमारे पर्सनल नंबर से उनके नंबर पर मैसेज जाएंगे। अगर वह उस मैसेज का रिप्लाई करते हैं तो उनके पर्सनल नंबर से हमारे नंबर पर मैसेज आएंगे। ठीक है, इसका फ़ायदा यह है कि जितने मेंबर एक ही मैसेज अगर कई लोगों को पास सेंड करना है तो इस ब्रॉडकास्ट के थ्रू मैसेज सेंड कर सकते हैं। अगर वह मैसेज करेंगे तो जितने मेंबर्स में उन सब के पास नहीं जाएगा, पर्सनली केवल हमारे पास आएगा। तो ब्रॉडकास्ट ऑप्शन का यूज यही है। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही साथ लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।